मैं सलीम खान आपके सामने नया अफसाना सतवां सा लेकर आया हूं, जिसे सादे का नवाब सहेल ने लिखा है। इस बार बारिश दिसंबर तक चली। बारिश खत्म होते ही अचानक मौसम ठंडा हो गया। सुबह 11:30 बजे मैंने कॉलेज छोड़ा। घर के रास्ते में पक्के सड़क से नीचे उतरती एक छोटी सी सीढ़ी से उतरकर तंग गली से होती हुई मैं अपने घर की जानी मुड़ी। आज घर जल्दी जाकर सफाई करने वाली बाई के आने से पहले जरा आराम कर लूंगी, मैं ये सोच ही रही थी कि गली में पक्की उम्रों का मर्द औरत का जोड़ा सामने से आता दिखाई दिया। मर्द ने सफेद मलगजा सा कुर्ता पैजामा पहन रखा था, औरत हल्की नारंगी लहरीदार साड़ी कमर में कसी हुई थी। उसकी खुली रंगत पर मध्यम सी मुस्कुराहट भली लग रही थी। दोनों बातें करते जा रहे थे। मैंने मर्द की हथेली में कपड़े की एक पोटली देखी। मुझे उसमें एक आध दिन पहले पैदा हुआ बच्चे का गुमान हुआ। अरे, इतने छोटे बच्चे को कहां ले जा रहे हो, किसका है, मैंने उनसे पूछा। उन दोनों बच्चा चोरों का अफवाह जोरों पर थी, दर दिखाना तो। मर्द और औरत चलते चलते रुक गए। मर्द ने अपनी हथेली नीचे करके बच्चे का चेहरा दिखा दिया। नन्ना फरिश्ता टुकुर टुकुर आसमान की जानिब देख रहा था। मोटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, गहरे गुलाबी होंठ, गोरा चिट्टा नौजाद, 7वें महीने का है, मैंने अंदाजा लगाया। हां, कहां ले जा रहे हो, कल रात 1 बजे इसको बच्चा हुआ, मर्द अपने साथ वाली औरत की जानिब इशारा करते हुए बोल रहा था, जो मफलर जैसा कोई कपड़ा अपने कानों पर लपेट रही थी। अस्पताल में हुआ, मैंने पूछा। नहीं, घर में, अभी सरकारी अस्पताल ले गया था दिखाने को। सब ठीक तो है, बच्चा कमजोर है, इसको कांच में रखने को बोला है। नगर पालिका अस्पताल में इनक्यूबेटर नहीं है क्या? नहीं है। फिर मुझे अफसोस के साथ हैरत भी हुई, मुल्क में कितने ही छोटे छोटे गांव देहात हैं, वहां क्या होता होगा, यह ख्याल मुझे परेशान करने लगा। डॉक्टर ने चिट्ठी देकर बेकरी के सामने वाले अस्पताल में भेजा है, उसने जवाब दिया। सीताराम अस्पताल? हां। फिर रखा क्यों नहीं? वहां की डॉक्टरनी बोलती है रोज का 2000 रुपया लगेगा। कितने दिन रखना होगा? 15 दिन। डॉक्टरनी बोलती है 30,000 रुपये जमा करा दो, 15 दिनों में बिल्कुल अच्छा बच्चा हाथ में दूंगी। रखा क्यों नहीं? पैसा किधर है, क्या करते हो? पहले भंगार उठाता था, अब क्या करते हो? रद्दी खरीदता हूं। ये क्या करती है, मैंने औरत की जानिब इशारा किया। पहले ये कचरा चुनती थी, अब भीख मांगती है, मना करता हूं फिर भी सुनती नहीं। कितने बच्चे हैं? बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, दूसरी 10 साल की, तीसरी 5 साल की। मैं गहरी सोच में डूब गई। चलो एक काम करो, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह इनकी मदद करूं। इतनी सख्त सर्दी है, इतना छोटा बच्चा, घूमना ठीक नहीं है। घूमना ठीक नहीं ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या कहना चाह रही थी, क्या कह रही थी? घर ले जाऊं नहीं तो ये कैसे बचेगा? मेरी बात और कहने का अंदाज इन्हें अजीब लगी। मैं दोनों का मुंह तकने लगी। मुझे भी छींप हुई कि बच्चे को पैदा हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ कि मैं इसके न बचने की बात करने लगी थी। मैंने उनसे नजरें हटाई और खड़े खड़े सोचने लगी, क्या करूं? खाली इंसानियत की बातें करने से क्या होता है, कुछ किया नहीं तो ये सचमुच नहीं बच पाएगा, क्या करूं? जहन में तेजी से समाज सेवा करने वाले इदारों का ख्याल आने लगा। मैं कुछ कोशिश करती हूं, मैंने उससे कहा। तुम ऐसा करो, अपनी बीवी की गोद में बच्चा देकर इसे दीवार पर बिठा दो और मेरे साथ चलकर मेरा घर देख लो। लौटकर बीवी और बच्चे को घर छोड़कर मेरे घर आ जाओ, तब तक मैं देखती हूं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं। वो दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करने लगे। मैं जरा सा आगे बढ़ आई थी, पलट कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे ख्याल आया था कि इनका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं था। मैं यूसुफ और ये मेरी बीवी साविरा। मुझे इन पर बड़ा रहम आया। मैं उस बच्चे की मदद करना चाहती हूं। घर पहुंचकर मैंने अपने शोहर को फोन किया। तो चली जाओ उनके साथ कलम्बोली के MGM अस्पताल,
एडमिट करा आओ फरीदा मैडम। वो हंसे, मैं चुप हो गई। उन्होंने बीवी के मूड का अंदाजा किया और बोले, अस्पताल का पता बता दो और कुछ पैसे देकर इनको भेज दो, क्या वो जा पाएंगे? ये भी मुझे ही बताना होगा। हमारी म्युनिसिपैलिटी तो महाराष्ट्र की एक क्लास म्युनिसिपैलिटी है ना, फिर भी एक ढंग का अस्पताल नहीं है। क्यों सरकारी अस्पताल के सामने खुली जमीन नहीं देखी गया? यहां एक हाई फाई अस्पताल बनाने के प्लान का निशान लगा हुआ है। एक इंजीनियर का कत्ल होने के बाद से काम बंद हो गया, तो आप जैसे बिजनेसमैन क्यों नहीं बना लेते एक अच्छा अस्पताल? इलाज के लिए लोगों को 60-60 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। वो इस बात को इतने हल्के फुल्के ढंग से ले रहे थे कि मुझे गुस्सा ही आया। फिर तो वो प्राइवेट अस्पताल होगा ना, और वो बहुत से हैं जिन्हें तुम पत्थर दिल कहती हो। कहूंगी कि गरीबों के काम के नहीं है ना फरीदा मैडम। मुझे याद आया, सुंदर नाम का मेरा एक पुराना तालिब इल्म सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय है। मैंने सुंदर को फोन किया और हालत बताई। सुंदर, ये लोग बड़े गरीब हैं, सरकारी अस्पताल में आजकल कुछ ना कुछ खर्च तो आता ही है, इनकी हालत, आप ऐसा कीजिए इनको मेरे पास भेज दीजिए, मैं इनको चिट्ठी लिखवा दूंगा तो अलीबाग के सरकारी अस्पताल में बच्चे का इलाज फ्री हो जाएगा। कैसा अस्पताल है ये? वहां इंक्यूबेटर तो है? हाँ, उसके लिए तो मशहूर है। बच्चे को लाने की जरूरत नहीं ना, उसको चेक करके ही चिट्ठी देंगे ना। वो कुछ देर पहले ही वहां से बच्चे को चेक करवा कर लाए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उसको तुम्हारे पास भेज देती हूँ। कोई 12:30 बजे यूसुफ बीबी बच्चे को घर छोड़कर लौटा तो मैंने उसे जरा सी शिकायत लहजे में कहा, बड़ी देर लगाई भाई। फिर मैंने एक पेपर पर सुंदर का पूरा नाम और काम लिखकर उसके हाथ में थमा दिया। अब फौरन घर जाओ और बीबी और बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल चले जाओ। इस आदमी से मिलो और चिट्ठी लेकर आओ। फिर अलीबाग के सरकारी अस्पताल में तुम अपने बच्चे का बिना पैसों के इलाज करा पाओगे। वार्ड बॉय सुंदर से चिट्ठी लेकर सीधे मेरे पास आना और मुझसे सफर वगैरह के पैसे लेकर फौरन अलीबाग के लिए निकल जाना। यूसुफ चला गया। मेरा जी चाहता था कि इसके साथ जाकर खुद इसकी मदद करूं, मगर बेबस थी। कॉलेज के घर लौटकर खाना तैयार करना और बाई के साथ मिलकर घर की सफाई करनी थी। 3:30 बजे से पहले तो मैं बिस्तर से पीठ भी लगा नहीं सकती थी। इस पर उस दिन मेरा भांजा किसी काम से यहीं आया हुआ था और खाना हमारे साथ खाने वाला था। दोपहर के खाने के बाद बचा हुआ खाना छोटे बर्तन में निकालकर मैंने फ्रिज में रखा और छोटे बर्तन बाई को दे रही थी कि एकदम याद किया, अरे अजीब आदमी है, 3:30 बज रहे हैं अब तक नहीं आया। मैंने सुंदर को फोन लगाया, मैडम मैं उसका रास्ता देखकर खाना खाने घर चला गया था, अभी नहीं आया। नहीं, आ जाए तो जरा एक मिस्ड कॉल दे देना, आप हमारे डीन डॉक्टर से बात करेंगी, सुंदर ने पूछा। हाँ कराओ। डीन डॉक्टर से मैंने तफसील से बात करी तो वो बोले, इस अस्पताल में इंक्यूबेटर की सहूलत नहीं, अलीबाग के सरकारी अस्पताल ले जाना ही ठीक है। आपका अपना अस्पताल भी है, इसमें इंक्यूबेटर है? हाँ, उसकी फीस क्या है? मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, मेरे पति नासिक गए हुए हैं और बच्चों के डॉक्टर हैं, इन्हीं को पता है। डीन डॉक्टर ने शायद कंगाल मरीज से बचने की कोशिश की। शाम 6 बजे मैंने दोबारा सुंदर को फोन किया। वो बोला, मैं अभी आपको फोन करने ही जा रहा था, वो अभी अभी मेरे पास से अलीबाग के सरकारी अस्पताल के लिए सिफारिश खत लिखवा कर ले गया है। अच्छा, इतनी देर से आया? आपने कहा था इसलिए मैं यहाँ इतनी देर तक रुका हुआ था, वरना कब का निकल जाता, उसने एहसान जताया। शुक्रिया सुंदर, वो खुश हुआ बोला, मैंने उससे कहा था कि एम्बुलेंस लेकर ना जाए, 1,000-1,200 रुपये लग जाएंगे, बस से जाएगा तो 100 रुपये में पहुंच जाएगा। अच्छा, अब वहां से निकला है तो सीधे मेरे पास आएगा, लेकिन ठंड बढ़ रही है, उस वक्त भेजूं या कल सुबह? सुबह ही भेजिए। शुक्रिया सुंदर, मेरे दिल को सुकून आया। उस शाम यूसुफ मेरे पास नहीं आया, मुझे बेचैनी होने लगी। जी चाहा काजोवाड़ी की झोपड़ पट्टी में जाकर उसको ढूंढ लूं। कहा तो उसने यही था कि पहाड़ी शुरू होते ही कुछ घर छोड़कर उसका घर है। मैंने घड़ी देखी, 9:00 बज रहे थे। हमारे घर से उसका घर सिर्फ 10 मिनट के फासले पर है, मगर उस वक्त जाने की हिम्मत नहीं हुई।
रात के वक्त झुग्गी झोपड़ पट्टियों के लोग दिन भर की मजदूरी के बाद थोड़ा या बहुत पीकर घर लौटते हैं। मैंने देसी दारू की तेज बदबू अपनी सांसों में महसूस की और खुद को वहां ना जाने पर राजी कर लिया। फिर सोचने लगी कि काजूवाड़ी के किसी तालिब इल्म या अपने शोहर के किसी मजदूर को फोन करके पता कर लूं। एक लड़की का ख्याल आया जो कॉलेज के आखिरी साल में थी। दरअसल हमारे कॉलेज काजूवाड़ी की पहाड़ी से बिल्कुल सटा हुआ है। काजूवाड़ी जंगलाती इलाके में आता है, यानी सरकारी जायदाद वोट बैंक होने की वजह से जब कभी इस इलाके को झोपड़ पट्टियों से पाक करने का प्रोग्राम बनता है, यहाँ की औरतें बेलन लेकर नेता के पास पहुंच जाती है और वो इन्हें यकीन दिलाता है कि उनके घर को टूटने नहीं देगा। पूरी पहाड़ी पर बने हुए घरों की पता नहीं किस तरह घर पट्टी की रसीदें भी मौजूद हैं। यहाँ कम से कम 200-250 घर होंगे। कुछ लोगों ने पक्के घर भी बना लिए। ऐसे पक्के घर वालों ने मिलकर अपना एक जाती पाखाना बना लिया जिसकी एक एक चाबी भी वो अपने पास रखते हैं। बाकी लोगों के लिए उसका बंदोबस्त हाईवे के करीब पुराने पुलिस स्टेशन के पड़ोस में नगर पालिका के बनाए हुए शौचालय में है। छोटे छोटे बच्चे पुराने मुंबई पुना हाईवे के किनारे काजूवाड़ी से लगी छोटी सी बड़ा नाम सड़क पर सुबह आराम से फारिग होते हुए दिखाई देते हैं। क्या किया जाए, मैंने अपने शोहर से पूछा। बच्चों को पूरी रात घर में रखना तो खतरे से खाली नहीं। एक दो दिनों के लिए अपने यहाँ के ही दिन के 2000 वाले अस्पताल के इंक्यूबेटर में रखवा देते हैं। कुछ फायदा नहीं, प्राइवेट अस्पताल वाले किसी न किसी बहाने कई दिनों तक रोके रखेंगे। तुम तगड़ी आसामी जो हो। सुबह 3 बजे ही मेरी आंख खुल गई। मुझे बेचैनी थी, बच्चे को जल्दी अस्पताल पहुंचाना था। कितनी खुशी मिलेंगी मुझे जब उस बच्चे को हंसता खेलता बढ़ता देखूंगी। हमारे समाज में बेटों का पैदा होना कितनी खुशी लाता है। कैसे अजीब लोग हैं, क्या इसे पता नहीं था कि उसकी बीबी की यहाँ बच्चा होने वाला है, कि 9 महीनों में उसने कुछ पैसे नहीं जुटाए। मैंने प्लान बनाया कि सुबह पहले यूसुफ के घर जाऊंगी, रुपये देकर इन्हें जल्दी निकलने को कहूंगी, मगर हल्की सी वर्जिश करके शोहर के लिए नाश्ता तैयार करके खुद तैयार होकर एक कप चाय पीकर निकलते निकलते 7:30 बज गए। कॉलेज की पहली घंटी 7:45 होती है। उस वक्त जाऊंगी तो कॉलेज के लिए देर हो जाएंगी और फिर घर ढूंढना भी तो पड़ेगा, मैंने अपने आप से कहा। चौथा लेक्चर फाउंडेशन कोर्स का था। लेक्चर में सिर्फ 2 लड़के मौजूद थे। स्पोर्ट्स शुरू हो रहे थे और इसके उद्घाटन का दिन था। तुलबा बाहर प्ले ग्राउंड के रेलिंग से लगे खड़े थे। लेक्चर के दौरान मैंने दोनों से उस 7 महीनों में पैदा होने वाले बच्चे की बात की और कहा, ये लोग बेपरवाह हैं। दूसरी बात यह कि पता नहीं उनको समझ में आएगा कि नहीं, किस बस में बैठे किस में नहीं। तुम लोग मेरे साथ चलो और इन्हें अलीबाग की बस में बिठा कर ही अपने घर जाओ। मैं दोनों लड़कों को लेकर यूसुफ के घर की तरफ निकल पड़ी। घर ढूंढने में तकलीफ नहीं हुई। यूसुफ ने बताया था काजूवाड़ी के छोटे से गेट में दाखिल होते ही दाएं तरफ उनका घर था। वहीं एक झोपड़े की औरत से जो बाल बना रही थी मैंने पूछा, यूसुफ कहाँ रहता है? वो कंघी हाथ में लेकर सोचने लगी। जिसके घर परसों बच्चा हुआ, मैंने वजाहत की। उसने कंघी से सामने की तरफ इशारा किया। मैं आगे बढ़ी। काजूवाड़ी के इस हिस्से में बेहद गरीबी दिखाई दी। झोपड़े एक दूसरे से लगे हुए थे, उनके दरमियान तंग गलियां थी। पहाड़ी के इस छोर पर झोपड़े के सामने कुछ बच्चे और 3 औरतें बैठी हुई थी। पेशानी पर बिंदी नहीं लगाने की वजह से वो मुझे मुसलमान महसूस हुई, वरना वो तो साझे कल्चर का नमूना ही थी। उनके पीछे जरा सी दूरी पर गंदी चटाई से बना खुली छत का बाथरूम था जिसमें कोई नहा रहा था। चटाई के नीचे साबुन का गंदा पानी पत्थरों के दरमियान से बहता हुआ अपना रास्ता बनाता उतर कर पहाड़ी के ढलानों में कहीं गुम हो रहा था। बगल में एक छोटा सा टिन के पत्थरों की छत और बांस की लकड़ियों की दीवारों का बना झोपड़ा था। मैंने झोपड़े में सरसरी नजर दौड़ाई। दीवारों पर मिट्टी लिपी हुई थी। दीवार में लगी हुई लकड़ी के टुकड़े पर कुछ साफ धुले चमचमाते बर्तन सलीके से लगे हुए थे। उसे के नीचे मिट्टी का चूल्हा था जिसके पास कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी थी। झोपड़े में दरवाजे के करीब एक खाट पड़ी हुई थी। घाट के पीछे झोपड़े को 2 हिस्सों में तकसीम करता हुआ एक पर्दा रस्सी से बांधकर लटका दिया गया था। बच्चा कैसा है? मैंने यूसुफ की बीवी साबिरा को उसी घाट के पानते एक पैर मोड़कर बैठे देखकर पहचाना और पूछा।
मगर साबिरा के बजाय झोंपने के बाहर बैठी हुई औरतों में से घुंघराले बालों वाली एक मोटी सी बेतरतीब सी साड़ी पहनी हुई औरत ने जवाब दिया, मर गया। कब? मेरे अंदर की सांस अंदर रह गई। आज सुबह 6 बजे मैं अफसोस से जमीन में गड़ी जा रही थी। कल तुम घर क्यों नहीं आए, मैंने साबिरा से पूछा और चुप रही है। मगर घुंघराले बालों वाली बोली, इन लोगों ने अस्पताल की चिट्ठी गंवा दी और आपका घर भी नहीं मिला। घर नहीं मिला? घर तो मैंने यूसुफ को दिखा दिया था। यूसुफ ने साबिरा को आपके घर का रास्ता समझा दिया था, मगर उसकी समझ ही नहीं आ रहा था। वो चाहता था कि साबिरा जाए, मगर ये तो तुम कौन हो? घुंघराले बालों वाली के बार बार बातचीत में हिस्सा लेने से मुझे लगा वो यूसुफ के घर की ही एक फर्द है। मैं भी यूसुफ की औरत हूँ। मुझे अजीब सा महसूस हुआ। जरा बच्चे का चेहरा दिखाओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई यूसुफ के घर में दाखिल हुई। घाट पर पड़ी हुई सफेद चादर को हटाकर साबिरा ने मुझको बच्चे का चेहरा दिखाया। मेरा दिल बुरी तरह धड़का। कल ये बच्चा जिस तरह दिखाई दे रहा था, याद आया, शायद जिंदा रहने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था। उसके फूले हुए गाल दब चुके थे, रंग सांवला हो गया था। आस पड़ोस कितना बेहिस है कि ऐसा तो होता ही रहता होगा, मैंने दिल में सोचा। तुम्हारा आदमी कहाँ है? हाफिज जी को बोलने गया है मैयत के काम के लिए, घुंघराले बालों वाली बोली। तभी अचानक एक 2 साल का बच्चा तेजी के साथ घुंघराले बालों वाली औरत की जानिब दौड़ता हुआ आया। वो पैर पसार कर बैठी हुई थी। बच्चे को देखकर उसने फौरन आलती पालती मार ली। बच्चा दौड़कर उसके पांव पर लेट गया और वो बच्चे को दूध पिलाने लगी। उसने अपने कपड़ों की शुद्ध बुद्ध कहा थी। मुझे शर्म महसूस हुई। अब मैं उसके और अपने तलबा के दरमियान आ गई। मेरे दिल ने कहा बच्चे को बचाने के लिए कुछ पैसे खर्च करना चाहती थी, वही शायद इस मैयत में काम आ जाए। मैयत के लिए पैसों की जरूरत होगी, मैंने पर्स से पैसे निकालते हुए साबिरा से कहा। नहीं नहीं, मैयत के लिए पैसे मत देना, मैं यहां बैठी हूँ। घुंघराले बालों वाली औरत की बात से मैं अचंभे में थी। तुम पहली बीवी हो या दूसरी, मैंने पूछा। मैं पहली हूं, मैंने उसे गौर से देखा। यूसुफ की दोनों बीवियों में उम्र या शक्ल और सूरत में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। तुम्हारे बच्चे नहीं थे इसलिए इसने दूसरी शादी कर ली। मेरे मर्द को इससे प्यार हो गया था इसीलिए इसके साथ भाग गया था। उस वक्त तो मेरा पहला बच्चा मेरे पेट में था। मैयत के लिए ना सही, कुछ खर्च के लिए तो दे देने दो इसे, मैंने घुंघराले बालों वाली औरत से साबिरा को पैसे देने की इजाजत मांगी। मेरे पास मेरे बच्चे के काम के लिए पैसे है, ये मेरा हक है। मैं तो इसको और मेरे मर्द को बहुत बोली थी कि मैं खर्च करने को तैयार हूं, मुझे लड़का दे दो फिर मैं इससे अस्पताल ले चलती हूं। लेकिन उसने एक नहीं सुनी, जैसे कि बच्चा बड़ा होकर मेरा ही सहारा बनने वाला था। घुंघराले बालों वाली औरत जब ऐसा कह रही थी तब मुझे इसके चेहरे पर बड़ी बीवी होने का ठस्सा दिखाई दिया। मैंने पर्स में से 500 रुपये का नोट निकालकर साबिरा के हाथ में रखना चाहा। पर्दे के पीछे से एक मर्द बाहर आया। उसका चेहरा यूसुफ से मिलता था, मुझे लगा ये जरूर उसका भाई होगा। उसने हाथ बढ़ाकर रुपये लेना चाहा, मैंने अपना हाथ पीछे हटा लिया तो उसने साबिरा को हाथ बढ़ाने का इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि वो भी तो रुपये लेकर साबिरा को ही देने वाला था और मैं गलत समझ गई। सुस्त चाल से चलती हुई घर पहुंची। दरवाजे पर काम वाली बाई मेरा इंतजार कर रही थी। आपने बच्चे को अलीबाग पहुंचा दिया ना, अब ठीक हो जाएगा। कांच की पेटी में रखते ही बच्चे ठीक हो जाते हैं, बाई ने मुझे देखते ही कहा। बच्चा मर गया। कब? आज सुबह 6 बजे। आपने उसको यहीं एडमिट करवा लिया होता तो वो बच जाता ना, बाई की बात सुनकर मैं चौंकी। मेरे दिल में एहसास जुर्म कुछ और गहरा हो गया। मैं सटपटाई और आम गृहस्थों की तरह शोहर का सहारा ले लिया। साहब ने मना कर दिया था कि इस मामले में ज्यादा मत घिसना और अस्पताल में कुछ हो जाएगा तो ये लोग तुम्हें कोई इल्जाम देंगे। अब साहब ने मना किया तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना, उसको जवाब दिया और एहसास निदामत से मुक्त हो गई।